डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है आज 10.1 का, और इसकी स्टेटमेंट ये है, प्रूव द फॉलोइंग। साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉस। तो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है इलाइड एंगल के हवाले से, तो उसका उसको मेंशन करेंगे। देखें, सबसे पहले साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा ये किसके इक्वल होता है। ये पहली चीज ये है कि ये 180 जो है 90 का इवन मल्टीपल है, 90 जरबे 2, इस वजह से ये इवन है। तो साइन के साथ ये बेसिक एंगल आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बेसिक एंगल आ जाएगा। अब अलामत का, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, 180 डिग्री प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 से जैसे आगे बढ़ाएंगे एंगल वो तीसरे क्वाड्रेंट में होगा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस साइन। अब इसके बाद इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। देखें ये 91 मल्टीप्लाई 90 है, ये इवन नहीं है, ये ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, बेसिक एंगल ये आएगा, इस प्लस या माइनस का कोई असर नहीं होगा। ये सिर्फ हम ये देखेंगे टोटल को कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 90 डिग्री माइनस अल्फा ये लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है कोई भी है, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से आपने इन दोनों वैल्यूज का पता चला, बता दिया ये किसके बराबर है। अब पुटिंग दीज वैल्यूज, वी हैव, देखिए इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे माइनस साइन अल्फा, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे कॉस अल्फा। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, ये प्रूव करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखें, आपने ऐसे नहीं कि कैलकुलेटर के जरिए इसकी वैल्यूज लेनी है, कैलकुलेटर के जरिए ये नहीं माना जाएगा जवाब की। तो इसको आपने स्टेप बाय स्टेप हल करना है, इसे सबसे पहला काम है कि इनको रिड्यूस करना है। ये तो है पढ़ा, ये 30 डिग्री की वैल्यू तो पता है, तो अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, इलाइड एंगल की हेल्प से। तरीकाकार ये है कि आपने 780 डिग्री को दो हिस्सों में लेकर आना है, कि एक जो है वो 90 से कम आ जाए और एक जो है वो 90 का मल्टीपल हो, यानी कि 90 से डिवाइड हो सके। तो ये है जी, इस तरीके से लिख सकते हैं 720 जमा 60, देखिए 720 ये 90 से तकसीम हो सकता है। अब इसी तरीके से इसको लिखेंगे 480 को, 450 जमा 30, इसी तरीके से इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये sin 30 डिग्री ये वैसे रहेगा। अब मजीद इसको ये देखने के लिए कि इवन मल्टीपल है या आठ मल्टीपल है, उसके लिए हम इसको 720 को 90 के हिसाब से लिखेंगे, यानी 8 ज़र्बे 90 डिग्री ये हम लिखेंगे जी। ये बनता है 450 जो है 5 ज़र्बे 90 डिग्री, ये 1 ज़र्बे 90 डिग्री। अब इसमें ये इवन मल्टीपल है, देखें 8 है, 8 इवन नंबर है, तो 90 डिग्री का ये इवन मल्टीपल है, ये 8 मल्टीपल है 5 जगह, तो ये 8 मल्टीपल, ये 8 मल्टीपल,
इवन मल्टीपल में ये है कि साइन है या कॉज है वो चेंज नहीं होंगे। साइन बेसिक एंगल ये आएगा 60 डिग्री, ये खत्म हो गया। अब हम उसके साथ ये देखेंगे कि अलामत का भी जहन में रखना है कि अलामत प्लस रहेगी या माइनस रहेगी, तो उसके लिए दोबारा उसी टोटल एंगल को देखें। टोटल एंगल हमारे पास है 780। किसी एंगल को वैसे क्वाड्रेंट के हवाले से देखना चाहेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, जितना भी बड़ा एंगल है उसको 360 एक मुकम्मल रोटेशन होती है, 360 के हिसाब से कैंसिल कम करते जाए, यानी 360 और 360 720, 360 और 360 720, 720 इसमें से माइनस करें तो बाकी 60 डिग्री आता है। इससे ये पता चल गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरीके से मैं इसका भी आपको वर्क बता देता हूं। 480 है जैसे, तो क्या करेंगे 360 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये 120 ये तो पता है 360 से कम ही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है 120 डिग्री, ये जैसे इसमें भी है। तो अब ये हमारे पास 780 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसके साथ माइनस नहीं आएगा। अब इसके साथ ये कीमत है, तो पहले इसका ये देखेंगे साइन कॉस तो नहीं होता, तो ये आठ मल्टीपल है, इस वजह से ये साइन 30 डिग्री की बजाय कॉस 30 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि साइन आठ मल्टीपल की वजह से साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस 30 डिग्री। अब इसके बाद अलामत का, तो अलामत देखेंगे 480 जो है कम करें 360 तो बाकी 120 बचता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, वो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव। उसकी जवाब जो है कॉज आया है उसको नहीं देखेंगे, उसको जिसको जिस पर मेथड लगा है ये ऑपरेट हुआ है। अब इसके बाद कॉज की बारी है, तो कॉज 90 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, तो ये 8 मल्टीप्लाई, तो ये किस में चेंज हो जाएगा साइन में, ये बेसिक एंगल है 30 डिग्री। अब अलामत तो ये 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है इसको नहीं देखेंगे, जो पहले का कॉस क्या होता है नेगेटिव, इस वजह से इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, और आगे है साइन 30 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, ये प्लस माइनस माइनस इसकी वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये देखेंगे अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 ये 3 आ जाएगा, कैसे ये रफ वर्क कर रहा हूं, देखिए अंडर रूट 3 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये इनकी पावर 2 हो जाती है, जो कि आपस में कट गए बाकी 3 आंसर आ गया। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई 2 4, एलसीएम 4 3 माइनस 1 2 और 4 1/2, तो ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड 1/2, इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तीसरा जो है तो उसमें देखें ये कॉस 306 डिग्री प्लस कॉस 234 डिग्री प्लस कॉस 162 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री ये बराबर है 0 के बराबर करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली। अब इसमें देखें इसे हम इलाइड एंगल की हेल्प से इसे रिड्यूस करेंगे एंगल को, तो ये कॉस ये 90 के हिसाब से 90 180 90 जरबे 3 270, तो ये 270 और आगे प्लस हो जाएगा 36 डिग्री। अच्छा अब इसमें ये जी कॉस ठीक है, ये इसकी पॉसिबल वे इसका ये भी बनता है, ये मैं साथ लिख रहा हूँ अंदर, लेकिन वो उससे हल नहीं हो पाया, यानी इसको हम यू भी लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री, लेकिन जो वो गलत इस सवाल के लिए गलत है, और रीज़न क्यों, क्योंकि ये 36 डिग्री बन रहे हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज तो नहीं है ना, हमारे पास वैल्यू जो होती है विदाउट कैलकुलेटर कौन सी वैल्यू होती है जो आपने याद करनी होती है, वो वैल्यूज होती हैं 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इस तरीके से, यानी कि ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यू तो विदाउट कैलकुलेटर नहीं है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे इसको
इसको 54 नहीं लिखेंगे, या तो हम इसको आगे बढ़ा लेते, यानी कि इसको ऐसे कर लेते 360 - 54। तो अगर ये हमने 270 + 36 डिग्री लिखा है, तो इसमें भी बाकी जो बचे प्लस या माइनस में वो 36 डिग्री बचे, ताकि आखिर में वो सिंपलीफाई हो पाए। अब क्या होगा कि इसको हम लिखेंगे 270 - 36 डिग्री, ये मैं कर रहा हूं, ताकि ये 36 है, ये 36 है। अब इसमें लिखेंगे इसको, इसको 90 + 72 नहीं लिख सकते, क्योंकि आगे 18 डिग्री है, 18 डिग्री की भी तो विदाउट कैलकुलेटर नहीं है, इस वजह से इसको भी 18 में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको लिखना पड़ेगा 180 - 18 डिग्री। दो पॉसिबल वे थे ना, और आखिर में ये cos 18 डिग्री। देखें, अब पहली बात ये है कि ये हमारे पास, अब इसको मजीद स्टेप ना भी लिखें कि ये आपको अंदाजा हो जाए, पता चल जाए कि ये जी इवन मल्टीपल नहीं है, ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल के हवाले से क्या होता है, cos sin में चेंज हो जाता है और ये बेसिक एंगल आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो अब अलामत कौन सी आएगी, तो वो देखें पूरे एंगल को देखें 306। तो 306 जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इधर मैं लिख रहा हूं क्वाड्रेंट का हवाला भी, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें हमारे पास टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। तो इसके हवाले से देखें कि 306 किस में होता है, फोर्थ में, और फोर्थ में हमारे पास कॉस क्या होता है जी, कॉस हमारे पास फोर्थ में, देखें फोर्थ में कॉस होता है पॉजिटिव, इस वजह से क्या आएगा इसके साथ अलामत क्वेश्चन आने का मतलब है पॉजिटिव। अब इसमें ये भी ऑड मल्टीपल है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। अभी अलामत नहीं लिख रहा, साइन में। अब इधर अलामत देखेंगे प्लस या माइनस, तो 234 डिग्री किस में होता है, देखिए 180 और 270 के दरमियान है, थर्ड क्वार्टर में, और थर्ड क्वार्टर में टेन से पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब इसके बाद इसकी बारी है, cos 180 डिग्री माइनस 80, तो ये 180 डिग्री जो है ये इवन मल्टीपल है, तो cos cos ही रहेगा, और बेसिक एंगल उसके साथ 80 डिग्री आ गया। अब ये एंगल को देखें, ओरिजिनल एंगल वो जो कि वो है 162 डिग्री, 162 डिग्री किस में होता है, सेकंड में, 90 और इसके दरमियान है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है, ये उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव नहीं है, इस वजह से इसके साथ नेगेटिव। और ये तो वैसे रिड्यूस है पड़ा पहले से क्वेश्चन में, तो अब देखते हैं इसमें ये कटते हैं, कटने के अलावा और कोई हमारे पास हल नहीं था इसकी वैल्यू, इस तरीके से ये सवाल हल हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है ये देखें, तो इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो सबसे पहला अमल हमारा ये है कि ये जो स्केयर है, साइन स्केयर, कॉट स्केयर, कॉस स्केयर, तो इसको हम पहले होल स्केयर में लेकर आएंगे। तो उसके लिए ये है कि कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पर साइन स्केयर थीटा है, तो ये दरअसल क्या होता है, किसी फंक्शन पर जो स्केयर हो या कोई भी पावर हो वो होल पावर बन जाती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि ये स्केयर जो है होल स्केयर बनाएंगे, यानी साइन पाई प्लस थीटा, ये बन गया होल स्केयर। इसको अभी नहीं हल करते, कॉट इस पर भी जो स्केयर था वो क्या हो जाएगा, होल स्केयर, ऐसे इस पर भी, अब इलाइड एंगल के हिसाब से इसे हल करते जाएंगे। लेकिन साइन पाई प्लस थीटा, ये पाई जो है वो 90 डिग्री का क्या है, इवन मल्टीपल है, क्योंकि पाई जो है दूसरे लफ्जों में 180 डिग्री है, डिग्री में देखे तो हमारे पास इवन मल्टीपल जब हो तो साइन है चाहे कॉस है टेन है, उसको हम चेंज नहीं करते, ये खत्म हो जाएगा, ये इसके साथ ये जो बेसिक एंगल है ये लिखा जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा, ये
एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। अब अलामत, तो पाई प्लस थीटा वो किस में होता है? पाई प्लस थीटा ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। ये मेंशन किया हुआ है पहले भी। अब इसमें देखेंगे टेन थ्री पाई ओवर टू प्लस थीटा, थ्री पाई ओवर टू ये हमारे पास क्या है? आड मल्टीपल है 90 डिग्री का। तो टेन किस में चेंज हो जाएगा? मैंने बताया था साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉस है सेकंड। तो टेन ये आ जाएगा जी कॉट, ये खत्म हो जाएगा, बेसिक एंगल आएगा उसके साथ कॉट थीटा। अब हम देखेंगे अलामत इसके साथ कौन सी आएगी। तो देखेंगे थ्री पाई ओवर टू प्लस थीटा यानी 270 प्लस, तो वो क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसी तरीके से नीचे देखें जी कॉट थ्री पाई ओवर टू माइनस थीटा, तो इसको सॉरी इसमें हमने स्क्वायर नहीं डाला, ऊपर स्क्वायर भी लिखेंगे, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कॉट थ्री पाई ओवर टू माइनस थीटा, तो ये हमारे पास थ्री पाई ओवर टू ऑड मल्टीपल है, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टेन। और ऊपर स्क्वायर, अब साथ इधर देखेंगे कि अलामत कौन सी आएगी। 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा यानी 270 डिग्री माइनस थीटा, वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव। अब इसके बाद इसकी बारी है cos पाई माइनस थीटा, ये क्या है हमारे पास? इवन मल्टीपल है, तो cos वैसे cos रहेगा cos थीटा, और पाई माइनस थीटा ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। चाहे इसका असर कोई नहीं पड़ेगा, फिर भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगा नेगेटिव। अब इसमें देखेंगे कॉजे 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 रहेगा क्योंकि 2 पाई है 90 मल्टीप्लाई 4 इवन मल्टीपल है, इसलिए कॉजे कॉजे थीटा 2 पाई माइनस थीटा ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हवाले से हमारे पास कॉजे या साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। इस तरीके से ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब मजीद इसे हल करेंगे, देखें जी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस खत्म हो गया, लेकिन ये वाला माइनस चाहे शुरू में लिख दो। अब इसके साथ ये टेन स्क्वायर थीटा दोबारा फंक्शन पर हम डाल सकते हैं स्क्वायर, ये माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, ये माइनस रहेगा तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। अब मजीद से हल करेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर है जी साइन स्क्वायर थीटा, इसको चेंज करेंगे तो ये होता है कि कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉस ओवर साइन। इसी तरीके से ये टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साथ है cos स्क्वायर थीटा, और cos किसका रेसिप्रोकल होता है? sin का। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर भी डाल सकते हैं या नीचे लिखेंगे तो वन ओवर sin थीटा। अब इसमें कौन कौन से कैंसिल होते हैं? ये कैंसिल होता है, ये sin स्क्वायर से कट गया, ये sin इससे कट गया, तो सिर्फ बाकी बचा है हमारे पास cos थीटा जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। Okay.